आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल लेटर्स मतलब अल्फाबेट। तो आज हम सीखेंगे इसका सही उच्चारण क्या है। ये बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही उच्चारण करना सीखें। तो देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसे हम जी भी बोलते हैं, इसको हम जी भी बोलते हैं। जैसे वाई जी आप जेड बोल सकते हैं और जी भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। अब मैं इसे बच्चों के लिए बोलना सिखाऊंगा। बच्चों आइए मेरे साथ रिपीट कीजिए। A for apple, apple means सेब। B for boy, boy means लड़का। C for cat, cat means बिल्ली। D for dog, dog means कुत्ता। E for elephant, elephant means हाथी। F for fish, fish means मछली। G for gate, gate means फाटक। H for house, house means घर। I for inkpot, inkpot means स्याही की दवा। J for jug, jug means jug। K for kite, kite means पतंग। L for lion, lion means शेर। M for monkey, monkey means बंदर। N for nest, nest means घोंसला। O for orange, orange means संतरा। P for parrot, parrot means तोता। Q for queen, queen मतलब रानी। R for rose, rose means गुलाब। S for sun, sun मतलब सूरज। T for tiger, tiger means चीता। U for umbrella, umbrella means छाता। V for van, van मतलब गाड़ी। W for watch, watch means घड़ी। means Xmas tree, Xmas tree मतलब किशमिश का पेड़। Y for yak, yak means bell। Z for zebra, zebra means दरियाई घोड़ा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।